नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासी जेके न्यूज़। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के तलवाड़ा में सिहाड़ बाबा में मौजूद हूं। आपको बता दें, सिहाड़ बाबा का इतिहास आप सब लोगों को पता है। सिहाड़ बाबा एक ऐतिहासिक स्थान है और जहां पे बहुत सारे लोग जहां पे आते हैं अपनी मनोकामना लेके, और मनोकामना पूर्ण होती है। कहा यह जाता है कि जिन महिलाओं को संतान नहीं होती थी वो मन्नतें मांगती थी, और इसी स्नान जो आप देख रहे हो तस्वीरों में, इसी में महिलाएं अपना वो है जो स्नान करती थी, उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी, संतान प्राप्ति की वो मनोकामना थी। ये ऐसा इतिहास है। और कहा यह जाता है कि ये जो झरना आप देख रहे हो, पानी का झरना अब ये बह रहा है, कहते हैं कि जहाँ पे दलस्सी जो है वो बहती थी। और जैसे जैसे समा व्यतीत होता रहा और प्रशासन ने भी जहाँ पे स्टेप लिया, बहुत सारे लोगों के लिए, जहाँ पे लोगों को सुविधा देने के लिए प्रशासन ने नहाने टाइप के लिए जहाँ पे जो है वो बांध बना दिया था कि जहाँ पे और लोग आए, जैसे 6-7 फुट, 5-6-7 फुट करीब नहाने के लिए जहाँ पे व्यवस्था की कर दी थी। और हम जैसे लोग ही, मैं आपको किसी का नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिक स्थिति कुछ और होती है और जो खा पी के इंजॉय करने के लिए आते हैं, वो सोचते हैं कि ये धार्मिक स्थान जो धार्मिक स्थान नहीं है, हम इंजॉय करने के लिए जो है वो वह कहीं घूमने के लिए आ गए हैं। और ऐसी मानसिकता लेके कुछ लोग आते हैं, और फिर प्रकृति का जो जब कहर बसता है तो फिर आपको पता है कि प्रलय आती है। बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग जहाँ पे हुई है, खामियाजा सब लोगों को भुगतना पड़ता है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं मेरा खबर दिखाने का मेन मकसद ये है कि आज ये सिहाड़ बाबा जो है बिल्कुल प्रकृति की चपेट में आ गया, जैसे पहले था उससे भी ये बदतर हो गया है। सिहाड़ बाबा जो अपनी जगह पे वो ठीक हैं, लेकिन ये जो कहर है प्रकृति ने बिछाया हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल तहस नहस हो गया है। कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आज प्रशासन ने जहाँ पे आने के लिए किसी को भी रोक लगाई है, क्योंकि पत्थर वगैरह भी जहाँ पे गिर सकते हैं। पुलिस के कर्मचारी जहाँ पे मौजूद हैं वो अपने ड्यूटी कर रहे हैं, किसी को भी जहाँ पे आने के लिए ये परमिशन नहीं है। अभी फ़िलहाल प्रशासन की तरफ से रोक है शायद। और मैं आपको बता दूं, अगर नहाने के लिए जहाँ पे महिलाएं मन्नत मांगती थी, पुरुष भी जहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन यही जो जगह है जहाँ पे महिलाएं भी नहाती थी, पुरुष भी नहाते थे, सभी लोग जहाँ पे ही नहाते थे, वो कहीं ना कहीं धार्मिक तरीके से वो गलत है। और मेरी प्रशासन से ये अपील है कि अगर नहाने के लिए जगह बनानी है, चाहे जहाँ पे महिलाओं के लिए बना दो, उसके आगे जो है वो पुरुषों के लिए बना दो, ताकि जो महिलाएं अलग से नहाएं और पुरुष हैं वो अलग से स्नान जो है वो कर सकें। मेन जो नहाने की जगह है वो ये झरना है, इसी झरने के नीचे महिलाएं नहाती थीं, वो जो मन्नतें हैं वो मांगती थी और उनकी मन्नत पूरी होती थी, ऐसा इतिहास कहता है। तो वो उनकी मन्नत पूरी होती थी, और आज भी सिहाड़ बाबा की जो है वो मान्यता है। अभी भी लोग जो हैं वो सिहाड़ बाबा में आते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग शरारती तत्व, मैं बोलता हूँ आपको कि कुछ शरारती तत्व की वजह से जो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, कहीं ना कहीं ये प्रकृति के साथ जो है वो खिलवाड़ करते हैं और उसका खामियाजा जो है वो सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। ये बहुत ही शानदार दृश्य है, बहुत ही शानदार जगह है, जहाँ पे गर्मियों में आप नहाने के लिए आते हो, और ना भी नहाओगे तो आपको बिल्कुल ठंडक रहेगी, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बिल्कुल तापमान जो है वो ठंडा रहता है।